मेरा नाम नासिर है। नासिर कहाँ के रहने वाले और यहाँ पे कहाँ पे रहते हो और क्या हुआ? सर हम रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं। बात ऐसे हुई, हम काफ़ी टाइम से पहले यहाँ पे रह रहे थे, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अचानक 17 तारीख की शाम को ये वाकया हुआ कि दो अचानक गुंडे आए दुकान में, उन्होंने हमारे लड़के एक को ना कैंची मार दी। कैंची मारने के बाद वो फरार हो गए। तो नेक्स्ट टाइम हम एफ आई आर काटते हैं, लड़के को यहाँ पे एडमिट करवा दिया, उसकी सर्जरी हो गई। तो एफ आई आर वहाँ पुलिस वालों ने नहीं काटी, ना कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ। उसके बाद जब हम पुलिस के पास गए, उन्होंने हमें बहुत इग्नोर कर दिया और हमने जो लड़के अरेस्ट करवाए उनको शाम को ही आधे घंटे में मुलजिम को छोड़ गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ हो, हक की लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये दूसरी बात ये है, हमें अभी थैंक्सफुल हम एसपी साहब का थैंक यू कहना चाहते हैं, जो मैंने पूरी सपोर्ट की। डीसी साहब के लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं सर, उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की। एसडीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कारण क्या था लड़ाई का, कारण क्या हुआ? सर कारण ये हुआ है कि वो नशे में लड़के थे, तो उसके कारण वो पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, हमारे लड़कों से पैसे लूटने की तलाश में थे। बाकी ऐसा कारण नहीं है, वो नशे में थे। यहाँ पे पहले भी कुछ केस आ चुके हैं इस मसले में, बट ये केस भी था तो लूटने के चक्कर में थे, पैसे लूटने के चक्कर में। कौन सी जगह पे हुई थी लड़ाई वगैरह, कैंची वगैरह उनके पास ही या कोई शेव वगैरह वहाँ पे कुछ करा रहे थे? सर वहाँ पे एक सुखी नाम का नाई है, तो उनके पास कैंची वगैरह पड़ी हुई थी, उन्होंने उसी दुकान से वो सामान लिया हुआ था और उसी सामान से वार किया हुआ है। वार तो दोनों बंदों पर किया हुआ है, थैंकफुल एक लड़का सेफ है, ठीक है सर। तो दूसरे पे थोड़ा सा सीरियस है, 90% सर डॉक्टर ने जवाब कर दिया। तो बात करें भी, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया इस बात से, और वो क्या मामला हुआ था जी सारा इस मामले को लेकर? सर ये मसला ये हुआ था कि हमारी बात तो सुन कोई नहीं रहा था, तो यहाँ के भी लोग हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था कि ये बाहर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, और पुलिस भी यहाँ की जो इग्नोर कर रही थी। इसके लिए हम थोड़ा सा मजबूर हो गए थे, हमें कोई कदम उठाने पे मजबूर हो गए थे और हमें अपनी सरकार से मदद लेने के लिए मजबूर हो गए सर। कश्मीर गवर्नमेंट से? जी सर। तो कैसे आपने कैसे टाई अप किया और कैसे कैप्टन सर? वो हमारे फैमिली ने सर, आगे जो हमारी फैमिली है सर, उन्होंने हमारी मदद की और उनके वहाँ की सरकार ने हमें मदद की और उनके जरिए यहाँ पे फिर उस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसकी तरफ से हमें मदद की गई। तो हम थैंक यू करना चाहते हैं स्पेशली एसपी साहब का, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मानते हो पुलिस का जो है रवैया ठीक नहीं था आपके प्रति, कश्मीर के प्रति, कश्मीर के लोगों? स्टार्टिंग जो पुलिस का जहाँ का रवैया था बिल्कुल ठीक है सर, मगर जहाँ पे जो कोतवाली का रवैया था वो बिल्कुल गलत था। कोतवाली के मतलब गलती मानते हो आप उसकी? 99% गलती उनकी है, जो लॉकअप से लड़के उन्होंने छोड़े, किस वजह पे छोड़े? क्या उनको कोई पॉलिटिशियन का दबाव था? ये वजह भी है, तो अगर छोड़ा क्यों छोड़ा, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी? मेन कारण ये है सर। तो आपको लगता है भी पॉलिटिशियन इसमें हो सकते हैं अभी, जिसकी वजह से लड़कों को छेड़ा और छोड़ दिया उसको? जी सर, इनका इसमें कुछ उनके MC वगैरह है वहाँ के, जिनकी वजह से उनको छोड़ा गया। जब तक पॉलिटिशियन का हाथ ना हो तो ये चीज़ें सब तो होती नहीं है सर। नाम पता है किसी MC का आपको कुछ? सर किसी का तो अभी नाम नहीं पता है, बट सुनने में आया है सर, हमारे सुनने में आया है। तो इनका मेन इनका हाथ है, मेन बंदों का हाथ है, तब ये ऐसा हुआ। क्योंकि एक ऑफिसर के अंडर कोई मुजरिम आता है, कोई जिसने ये सब कांड किया है, वो अंदर आके आधे घंटे में कैसे बाहर आएगा? उसके पास जब तक बैकअप नहीं है, कोई ना कोई सपोर्ट नहीं है, किसी ऑफिसर की सपोर्ट नहीं है, किसी MLA की सपोर्ट नहीं है, तभी तो एकदम से बाहर आया। सर एक लड़का मरने के लिए तैयार है, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगी उसके पीछ में, जो वो जो लड़के बाहर आए, ऐसा क्या कारण है? अभी कोई आपको मेडिकल सहायता मिल रही है कुछ गवर्नमेंट? ऐसा कुछ नहीं मिला सर, जो भी है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जमा है, जो भी हम जहाँ पे जितने भी लड़के हैं लड़कियाँ, जो भी हमसे जो भी लोकल हमारे यहाँ पे लोकल बंधु ने मदद की है और हमसे मतलब इकट्ठे पैसे जमा करके हम लड़के का इलाज करवा रहे हैं, उसका नाम दानिश है और उसका इलाज करवा रहे हैं। और दानिश क्या काम करता है सर? दानिश भी पढ़ता है सर। ओके जी सर। और उनके माँ बाप भी आज आए हुए हैं सर, ये इनके पिता है और भाई सब भी यहाँ पे मौजूद है सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगे हुए हैं, बट सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से हम पैसा जमा कर रहे हैं और दानिश के ऊपर लगा रहे हैं सर। ठीक है सर। सर जिहड़ा रात मामला होया की मामला होया जिहड़ा
ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖੀ ਨਾਈ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਵਰ ਹੈ टाइम सर 10 बजे था जी सर हम नाई की दुकान पे गए थे वहाँ कोई खराबी आए और हमने शेट चार की मैंने कहा भाई क्या हुआ जब हम नाई से दुकान से बाहर निकले वो पीछे से आए और कहीं लगाई वीरू ना था बंदा सर मेरे पीछे भी हम लग गए लेकिन मैंने कहा कि पता किता भी कहने के देखा जो नाई को जानते थे वो उनको जानते थे सभी को नाई उनको जानते थे तो फिर आपने बोला नहीं ये पुलिस को कंप्लेंट नहीं की उस टाइम की ये बंदे थे ये जानते हैं पुलिस को फोन किया लेकिन हमारी बात सुनी नहीं कौन से नंबर पे फोन किया था फोन मन को थाना पड़ता है आपके फोन आया था कोतवाली सर जिधर जख्मी तो फिर कितने टाइम में पुलिस वहां पे पहुंची आपके पास नहीं कहां सर एक घंटे के बाद ऐसी रेस्ट पा लिए तो आप क्या कहना चाहती हो कि आपकी जो आपने कॉल किया तो एक तरफ तो सरकारें कहती है कि 324 कोई पहला आपराधिक मामला है तो दर्ज है इस गल भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ